दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से निकले ऐसे में वेलकम। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो SMS दिल से, जहां होती है दिल की बात, जहां मिलते हैं दिल, जहां जुड़ते हैं दिल। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंकिता थपलियाल, जो रोज करती है आपसे आपके दिल की बात। भाई, आपने जिस कदर अपने प्यार से इस शो को नवाजा है, इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा, आपका साथ हमारे साथ यूं ही रहेगा। वैसे भी जिस तरह से आपके बेशुमार मैसेजेस हमें मिलते हैं, उनसे तो भाई हमारा भरोसा और भी मजबूत होता है कि आप यूं ही इस शो को प्यार देते रहेंगे। और है आज फ्राइडे, यानी शुक्र है शुक्रवार है, यानी ऐसे में दिल से के पिटारे में आज तीन नायाब चीजें हैं। पहला, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस। दूसरा, खूबसूरत गाने। और तीसरा, मैसेज ऑफ द वीक और लकी विनर का ऐलान। जी हाँ, आज बताऊंगी इस हफ्ते कौन सा मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक, यानी फ्राइडे फीवर आज सर चढ़कर बोलेगा। तो चलिए आज के सफर को रंगीन बनाने की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। SMS दिल से आपका ही तो शो है, आपके प्यारे प्यारे दिल से भेजे गए मैसेजेस का शो है। लेकिन इस शो के सफर को और हसीन बनाते हैं वो गाने जो मैं आपको सुनाती हूँ, जैसे कि ये गाना था। ऐसा गाना सुनने के बाद भाई मन ना खुश हो जाता है, इतनी अच्छी शुरुआत हो जाती है हमारे प्रोग्राम की, है कि नहीं। तो चलिए, अब जब मन खुश हो गया है तो शो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला मैसेज। और ये पहला मैसेज हमें आया है कोलकाता से, भेजने वाले हैं अमरजीत। इन्होंने लिखा है कि मैं एक लड़की से 4 साल से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, पर वो अपनी मम्मी के चलते मुझसे शादी करने को राजी नहीं है। उसको लगता है कि शादी के बाद उसकी मम्मी अकेली हो जाएंगी। हम क्या करें,
हमको उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। अमरजीत, मैं आपकी इस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। जिसे आप प्यार करते हैं, अगर वो किसी वजह से आपके साथ नहीं है तो दिल बड़ा उदास हो जाता है। लेकिन मैं उन्हें भी गलत नहीं कहूँगी, बल्कि उनकी भावना का हमें सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए। वरना आज के समय में कितने लोग हैं जो माँ बाप के अकेलेपन के बारे में सोचते हैं, आप सोचिए। लेकिन मेरी एक सलाह है आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए, कि शादी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी या बेटे की समय रहते अच्छे ढंग से शादी हो जाए। खासकर बेटी की शादी से तो माँ बाप और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर वो आपसे शादी करती हैं तो उनकी माँ भी ज़रूर खुश होंगी, बल्कि ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि उनकी बेटी को एक मनपसंद और इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। सही बात, माँ के अकेले रह जाने की तो उन्हें बताइए, भरोसा दिलाइए कि मम्मी अकेली नहीं होंगी, बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक बेटा मिल जाएगा। उम्मीद है वो जरूर इस बात को समझेंगी। और चलिए सुनते हैं अगला गाना। उठवा माथ के गगरिया, दोनों नैना बा कटरिया, उठवा माथ के गगरिया, दोनों नैना बा कटरिया, रानी चांदनी समाइल बाबदानिया में, आठवां अजूबा बड़ू दुनिया में, आए आठवां अजूबा बड़ू दुनिया में। कैसन तू रोगवा धरा दिहलु हमके, आपन दीवाना बना लिहलु हमके, दिलवा में तो ही बसर बाड़ा ना जाए, बोला लेके तू आईबा बैंड बाजा, जले रब तो के हमारी जिंदगानिया में, आठवां अजूबा बड़ू दुनिया में, आए आठवां अजूबा बड़ू दुनिया में। बेटी के लिए तो सबसे बढ़कर माँ ही होती है, उसकी गार्जियन भी, उसकी सहेली भी, उसकी साझेदार भी। इसीलिए बेटियां माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जैसा कि ये मैसेज था, माँ की ममता का सागर कितना भरा होता है। मुनव्वर आना के शेर से आप बखूबी समझ सकते हैं, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आए दया, फिर बज गई है घंटी। तो चलिए रखते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं। आप मुझे मैसेज करते रहिए और यूं ही हमारा प्रोग्राम देखते रहिए SMS दिल से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं SMS दिल से, जहां मैं पढ़ रही हूं आपके दिल से भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस, शेयर कर रही हूं आपके दिल की बात उनसे जिनसे आप कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज बेनामी है और कुछ अधूरा भी है। खैर, इन्होंने लिखा है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। बात यह है कि वो कोई पराई नहीं बल्कि मेरे भैया की साली है। अच्छा, बस हम दोनों, इसके आगे इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। आप जो भी हैं, यह नाम छुपाने का मतलब तो मैं समझ में आता है, लेकिन मैसेज क्यों अधूरा लिखा है भाई? खत लिखा है या वो भी पूरा नहीं लिखा आपने? इस अधूरी बात से आपके दिल के पूरे एहसास को मैं कैसे समझूं, आप मुझे ये बताइए। खैर, आगे से इसका आप ध्यान रखिएगा। रही बात आपके इस मैसेज की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भी आपकी क्लोज रिलेटिव भी है। ऐसे में आपके प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचने में एक मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, इसकी तो मैं श्योरिटी आपको देती हूँ। मैं तो यहाँ बस यही कहूँगी कि अपने प्यार को इंजॉय करिए, खुश रहिए, और जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें भी खुश रखिए। और चलिए आपके और आपके प्यार के नाम हम सेलिब्रेट करते हैं ये गाना।
कि बड़ा भाग से हाथ लागो हरे हई सोना के चिराइया मन करे दिल के पिजड़ा में हई कह दे कली सुघरैया रानी हमके बना लाया पन मारत रोज हारत रहो दुख दरद एहो रानी हमके बना लाया पन मारत रोज हारत रहो दुख दरद बड़ा नीमन मिलल बाटे काम हलके हाथ लगाई जनी डरी हाए प्यारी जनी डरी हाए प्यारी आज जम के करब हम ड्यूटी तुहार घट ना दे हमरा नी ब्यूटी ता टाइम लागी ना छूट जाई जा अब ना दोबारा तू पटी दरद पेन्हिला प्यार के जंतर पेन्हिला प्यार के जंतर तोहरा खातिर दुआ बन जाई दवा बन के हम तो हमें समाई तोहरे संगे रहब सुबह हो शाम और आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। और इस मैसेज को हमें भेजा है आशीष ने गिरिडीह से। इन्होंने लिखा है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम बबली है। अच्छी बात है आशीष कि आप किसी को प्यार करते हैं। जिंदगी में प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ये दुनिया मोहब्बत से ही तो खूबसूरत बनती है।
वरना नफरतों ने तो इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल आप ये बताइए कि आप जिसे प्यार करते हैं उसका इरादा क्या है, क्या वो भी आपसे प्यार करती है जितना प्यार आप उनसे करते हैं, या आपका प्यार एक तरफा है। अगर ऐसा है तो पहले उसके दिल का हाल जानने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए उनसे। अगर वो किसी और से प्यार करती हैं तो भाई मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप उनके रास्ते से हट जाइए, अपने प्यार को अपने दिल में रखें, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी आशीष, दिल दुखेगा, समझ गए? तो पहले आप उनके दिल का हाल पता कर लीजिए और फैसला कर लीजिए। और चलिए सुन लीजिए अभी अगला गाना। जेकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, तू जेकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, जेकरा के तज देबू, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, तू जेकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, तू जेकरा मिल जाइबू माला माल हो जाए, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, कंगाल हो जाए। हवा पानी पर्वत नभ झील फूल झरना से कुछ ना कुछ लेके सबसे कुदरत के हर रचना से, मेघ हवा पानी पर्वत नभ झील फूल झरना से कुछ ना कुछ लेके सबसे कुदरत के हर रचना से, निरख निरख के चुन चुन के हर अंग सजवले हुए हैं, रच रच के भगवान तोहे फुर्सत से बनवले हुए हैं, फुर्सत से बनवले हुए हैं, जेकर उत्तर बनबू उ सवाल हो जाए, जेकर उत्तर बनबू उ सवाल हो जाए, जेकरा के तज देबू, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, जेकरा के तज देबू कंगाल हो जाए, कंगाल हो जाए। अपरंपार सुनरता कैसे अति भला नौरस में, मुट्ठी में कुदरत के बांधल नहीं के अपना बस में, अपरंपार सुनरता कैसे अति भला नौरस में,
मुट्ठी में कुदरत के बांधल नहीं के अपना बस में। लोग इतना जाने का कही है उपमा कविता में, राग रंग रस छंद कबो नहीं के हमरा क्षमता में, नहीं के हमरा क्षमता में। बस इतना जानी तो से मन निहाल हो जाई, बस इतना जानी तो से मन निहाल हो जाई। जिगरा के तज देबू, जिगरा के तज देबू कंगाल हो जाई, जिगरा के तज देबू कंगाल हो जाई, कंगाल हो जाई। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो भी आपसे प्यार करता है कि नहीं। और अगर वो किसी और से प्यार करता है तो हमें ना उनके रास्ते से हट जाना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपकी फीलिंग के साथ, आपके इमोशंस के साथ। और एक तरफा प्यार ज़्यादा समय चलता नहीं है, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल सही, जैसे हमारा एक तरफा प्यार है, इन्हें प्यार है हमसे क्योंकि चाहते हैं हम समय समय पर प्रॉपर रेस्ट लें, लेकिन हमें प्यार इनसे बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके चलते हमें आपसे दूर होना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए एसएमएस दिल से। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत बार हुआ सबके फेवरेट शो जोना के नाम हुए एसएमएस दिल से। एसएमएस दिल से, जहां होला दिल से दिल की बात, जहां होला दिल से दिल की मुलाकात। और आज फ्राइडे हुए, यानी मैसेज ऑफ द वीक के बारे में घोषणा के दिन। बाकी रोकरा खातिर करे के पड़ी अभी थोड़ा सा इंतजार। अभी तो हम पढ़ रहल बानी आपके मैसेज और सुना रहल बानी बढ़िया बढ़िया गाना। तो चली जा, आगे बढ़ल जाओ। और अगला मैसेज भेजले बाड़न संजीत, ये लिखले बाड़न, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अगर हम लीजिए, इन्होंने भी अपना मैसेज पूरा नहीं लिखा, यानी अधूरा मैसेज, भावनाओं में खो जाते हैं भाई। खैर संजीत, आपने मैसेज क्यों नहीं पूरा किया, खैर आपके अधूरे मैसेज से तो मुझे समझ में आया, वो ये है कि आप उसी चिंता में पड़े हैं कि अगर हम एक ना हुए तो। अगर यही बात है तो मैं यही कहूँगी कि कल की चिंता छोड़ दीजिए। ये सच है कि प्यार के बारे में सोचते हुए अक्सर उसे मुकाम पर ले जाने की चिंता होती है, और इस दरमियान आ सकने वाली कठिनाइयाँ भी परेशान करती हैं, बहुत दुख देती हैं। लेकिन अभी से उसके बारे में क्या सोचना। हाँ, अगर आपको ऐसा कोई अंदेशा है तो उससे निजात के रास्ते तलाशते रहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। समझ गए? तो चलिए सुनते हैं शो का अगला गाना आपके लिए। चल रूप के
बसंती बहार देदा, मन चमन में मोहब्बत के रंगत रहे, अतना जिंदगी में हमरा तुम प्यार देदा। मन करेला कि तोहरे के देखत रही, सामने बैठा तू हम निरेखत रही। बाटे बिंदिया हो निंदिया चोराउले हमार, बाटे बिंदिया ई निंदिया चोराउले हमार। जहिया चूड़ी खन कई बू तका होई, जहिया चूड़ी खन कई बू तका होई। के पास अखिया निरखत रहे, प्यार की बरखा दहिया पे बरसत रहे। साथ छूटे ना सातों जन्म ले कबो, तोहरे नावे करे जवाई धड़कत रहे। जिंदगी के मजा सगरो पा जाइबू तू, हंस के बहिया में जहिया समा जाइबू। मोहब्बत का तोहफा सबको नहीं मिलता और ना ही बार बार मिलता है, फिर क्यों पहले से ही खौफ में रह जाए। क्यों ना मोहब्बत की मिठास को जिंदगी में घोलकर जिंदगी को हसीन और मीठी बना लिया जाए। ये जिंदगी में खुशियों की फिलॉसफी है, इसे आजमाइए, मेरी मानिए जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और आगे बढ़ती हूँ और अगला मैसेज जो पढ़ती हूँ, लीजिए बेनाम मैसेज। कितनी बार मैं आपसे इस बात को कहूँ, नाम पता तो लिखिए, जबकि ये चलिए मुझे नहीं बताना, कोई बात नहीं, इनाम तो जीतना है ना भाई। महुआ प्लस में हर फ्राइडे मैं अनाउंस करती हूँ लकी विनर का नाम, जिसका मैसेज बनता है मैसेज ऑफ द वीक, और आज भी फ्राइडे है। क्या पता आपका मैसेज शायद आज मैसेज ऑफ द वीक बन जाता, खैर आपका बेड लक। हाँ तो ये मैसेज आया है, ये मैसेज तो मेरे लिए है। इन्होंने लिखा है, आपको देखे बिना रात नहीं कटती, क्या खूब लगती हैं आप। सुभान अल्लाह, क्या कहूँ आपको, इस कदर मेरी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, लेकिन पहचान भी छुपा रहे हैं हुजूर। अगर अपना नाम बता देते तो क्या बिगड़ जाता आपका। भाई मैं भी तो जानूँ कि आखिर कौन है वो जिसकी नींद उड़ गई है। खैर ये तो हुई दिल लगी, संजीदगी से कहूँ तो यही कहूँगी कि यूँ किसी के लिए नींदे उड़ाना इस बिल्कुल सही नहीं है। मोहब्बत मैं भी करती हूँ आपसे, हाँ सबसे करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को मैं सोती नहीं हूँ और मेरा दिन का चैन खो गया है। बहरहाल तारीफ़ के लिए शुक्रिया, यूँ ही हमारा शो देखते रहिए और हमें और हमारे शो को प्यार देते रहिए, हाँ नींद भी लेते रहिए। चलिए सुनते शो का अगला गाना आपके लिए। खेले अखिया जेकर हो, अरे ख्वाब देखेले अखिया जेकर जे दिल के अरमान, ख्वाब देखेले अखिया जेकर जे दिल के अरमान। के हो जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान, के हो जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान।
ही होई है जरूर चंचल चित चोर जकरा संगे बांधब हम नहीं आके डोर हो कतही होई है जरूर चंचल चित चोर जकरा संगे बांधब हम नहीं आके डोर बिना देखले दिल के जेकर रहेला इंतजार केहू जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान केहू जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान सुनाता पायल के छम छम कंगना के खन खन से बढ़ जाला धड़कन हाय दूर कहीं सुनाता पायल के छम छम कंगना के खन खन से बढ़ जाला धड़कन एहसास दिल के गुंजत मीठ मधुर मुस्कान के हो जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान के हो जाए ना ढूंढ लाए ना हमरो हसीना हमार जान। दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें करते हैं, अपना प्यार इजहार करते हैं और हमारे शो को पसंद करते हैं, ये आप हमें बताते हैं मैसेज के जरिए। लेकिन एक जो दिक्कत सबसे बड़ी होती है वो यही होती है कि वो मैसेज बेनामी होते हैं। कैसे पता चलेगा कौन है जो हमारे शो को प्यार करता है, कहाँ रहता है जो हमारे शो को प्यार करता है, जो मुझे प्यार करता है? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैसेज करें अपना नाम और पता उसमें ज़रूर आप मेंशन करें, ठीक है? हाँ ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहें ये SMS दिल से। लेकिन एक में रुके थोड़ी सी बात रह गई है। ब्रेक में जाने से पहले ना आपके लिए अहमद मुश्ताक का ये शेर मैं अर्ज करना चाहूँगी, ज़रा गौर फरमाइएगा। बदलते वक्त पर चोट करता हुआ मिल ही जाएगा कभी, दिल को यकीन रहता है वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। एक ज़माना था कि सभी एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं तो कोई कहीं रहता है। बने रहिए मवा प्लस के साथ। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत बा मवा प्लस के फेवरेट शो में, जो ना के नाम हुए SMS दिल से। चलिए जा आगे बढ़ल जाओ, अगला मैसेज भेजले बाड़न दीपक शर्मा कुशीनगर से। लिखले बाड़न कि मैं अपने गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, अब उसकी शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में है। I love her। लड़की का नाम इन्होंने दिया है लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ नाम देने का कोई मतलब नहीं है, उल्टे किसी की बदनामी का डर है। खैर दीपक, ये सच है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसे भुलाना आसान नहीं होता और ताउम्र दिल के कोने में उसकी और उसके प्यार की एक जगह बनी रहती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इसके बावजूद जब प्यार पराया हो जाए तो उसे भुलाना ही अच्छा होता है, अपने लिए ना सही उसके लिए। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप उसे भूल जाएं। ये सच है कि वो आपकी ना हो सकी, लेकिन ये भी उतना सच है कि उसने आपसे प्यार किया था ना, उस प्यार की खातिर ही सही भूल जाएं उसे, ये उसके और आपके दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। समझ गए? और चलिए सुनते हैं शो का अगला गाना आपके लिए। बुझाला बदरिया चेहरा बुझाला चान हो, चुनरी बुझाला बदरिया चेहरा बुझाला चान हो, चुनरी बुझाला बदरिया चेहरा बुझाला चान हो।
बनाईब दुलहिनिया रूपवा के चमकी चंदनिया सुखवा सजाईब सवारब सपनवा सोभी सनहिया के दुनिया जानती हूँ खलबली मची हुई है आपके दिल में ये जानने की कि आखिर कौन है वो जिसका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक। कहीं वो आप तो नहीं या फिर आप तो नहीं, ये बताऊंगी। लेकिन 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 इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। इंतजार किस चीज का? इंतजार इस ब्रेक का। तो यहाँ पर लौटती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप देखते रहिए SMS दिल से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं SMS दिल से, आप सबका फेवरेट शो जिसे आप करते हैं प्यार बेशुमार, और मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता थपलियाल। दोस्तों आज का शो अपने आखिरी पड़ाव पर है और मुझे पता है कि इस पड़ाव का आपको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस आखिरी सेगमेंट में ही मैं बताऊंगी मैसेज ऑफ द वीक के बारे में, साथ ही उस लकी विनर का नाम भी। लेकिन उससे पहले पढ़ लेती हूँ आज का आखिरी मैसेज, और ये मैसेज हमें भेजा है पीके ने। इनका मैसेज बहुत छोटा सा है लेकिन शिकायत ही है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा भी हो जाता है। इन्होंने शिकायत करते हुए लिखा है, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। पीके जी, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ आपका मैसेज ना पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सा मैसेज आपने भेजा था, याद नहीं भाई। बहुत सारे मैसेज हमें आते हैं, दिन भर में हज़ारों मैसेज आते हैं, तो बेहतर ये होगा कि उस मैसेज को भी साथ अटैच आप अगर इसमें कर देती तो मैं आज के शो में आपका मैसेज ज़रूर पढ़ लेती। दूसरी बात, मैसेज ना पढ़ने के दूसरे कई कारण भी हो सकते हैं। हमारे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं जिन्हें पढ़ना मान ले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। इसमें स्टार से मुलाकात और उनसे शादी की ख्वाहिश के साथ साथ तरह तरह के गानों की फरमाइशें रहती हैं। इसके अलावा भी कई तरह के मैसेज होते हैं जिन्हें मैं सबके साथ शेयर करना नहीं चाहती। ऐसे मैसेजेस को मैं नहीं पढ़ सकती इस शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इसीलिए जब भी मैसेज भेजें शो के कॉन्सेप्ट और मूड के हिसाब से ही भेजें, और साफ साफ भेजें, समझ गए? और हाँ, नाम और पता जरूर लिखें। चलिए सुनते हैं शो का आखिरी गाना आपके लिए। खिलके दहिया के पोर पोर महक जाए हो, खिलके दहिया के पोर पोर महक जाए हो, लग जब प्रेम लगन मनवा, लग जब प्रेम लगन मनवा बहक जाए हो।
से सुनाए सजनी कसम से लागी लगन झूमे जियरा पन के भवरा खुशी में हो के मगन कसम से लागी लगन झूमे जियरा बन के भवरा खुशी में हो के मगन झूमे जियरा बन के भवरा खुशी में हो के मगन आइबू कोरवा में ता चरवा आइबू कोरवा में ता चरवा सरक जाई हो इंतजार। और अब मैं अनाउंस करने जा रही हूं उनका नाम जिनका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक, और वो है, अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस काजल, आपका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक। भाई अब ये रिश्ता ना और भी मजबूत हो गया है। आपने कहा था कि आप मेरी दीदी बन जाइए, लीजिए मैं आपकी दीदी बन गई और आपको दे दिया है ममुआ प्लस की तरफ से एक आकर्षक इनाम, और आपका मैसेज बन गया है मैसेज ऑफ द वीक। लेकिन वो लोग जो इस वक्त मायूस हो रहे हैं, हताश निराश हो रहे हैं, भाई आप ही की गलती है, नाम और पता नहीं लिखकर भेजेंगे तो यही होगा दोस्त। अगली बार जब भी मैसेज करें अपना नाम और पता हमें ज़रूर लिखकर भेजें। और हाँ, आपको मैसेज कैसे करना है, अपना फ़ोन उठाना है, टाइप करना है SDS, देना है स्पेस, टाइप करना है अपना मैसेज और उसे भेज देना है 58888 पर, यानी कि 5888 पर। और याद रखिएगा, अगर आपका मैसेज काजल की तरह मेरे मन को भा गया तो वो होगा मैसेज ऑफ द वीक, और आपको महुआ प्लस की तरफ से मिलेगा एक आकर्षक इनाम। तो दिल से मैसेज हमें यूं ही करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, पढ़ूंगी आपके दिल से भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल। दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से